हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक कंपनी की वाउचर एंट्रीज को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टैली का इनबिल्ट फीचर होता है। यहाँ पे मैंने दो टैली ओपन करी हुई है। एक तो मेरी सिंगला हार्डवेयर के नाम से है, जिसके अंदर नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी तक कोई भी एंट्री हमने पास की हुई नहीं है, और यही वो कंपनी है जिसके अंदर हम अभी डाटा ट्रांसफर करेंगे। दूसरी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वो है अग्रवाल सीमेंट एंड हार्डवेयर। इसी से जो है हम डाटा अपना सिंगला हार्डवेयर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले के अंदर आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डे बुक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर मैं आके एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाली सारी एंट्रियाँ जो हैं अपनी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने वो एंट्री अपनी ओपन कर लेनी है जो कि आपने ट्रांसफर करनी है। तो मैंने क्या किया हुआ है, डिस्प्ले में आके डे बुक अपनी ओपन करी हुई है, और ये वाली सारी जो एंट्रियाँ आपको देखने को मिल रही हैं यही मैं जो है ट्रांसफर करने वाला हूँ। आप जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग एंट्रियाँ ओपन कर सकते हो, जैसे रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल, जो भी आपने एंट्रियाँ ट्रांसफर करनी है वो आपने सबसे पहले ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्रियाँ जो है डे बुक की मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। उसके बाद क्या करना है, आपने ऊपर की साइड आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने करंट पे आगे एंटर करना है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको शो मोर पे डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे की साइड आ जाना है। नीचे की साइड एक्सपोर्ट डिटेल आपको देखने को मिलेगी, तो आपने क्या करना है, फाइल फॉर्मेट के अंदर आ जाना है। फाइल फॉर्मेट पे आप जैसे ही आओगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। ये ऑप्शन जो है वो सारे के सारे एक्सपोर्ट करने के लिए होते हैं, अलग अलग इनका यूज़ होता है। तो अगर आपने एंट्रियां ट्रांसफ़र करनी है तो आपने यहाँ पे XML डाटा इंटरचेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर की साइड आ जाना है। ऊपर की साइड आपको इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स ये एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन को आपने यहाँ से यस कर देना है। इसका काम ये होगा कि जो भी एंट्रियां आप ट्रांसफर करोगे उनके लेजर या मास्टर जो भी बनेंगे वो टैली यहाँ पे खुद ब खुद क्रिएट कर देगी। उसके बाद आपने नीचे की साइड आ जाना है और फोल्डर पाथ पे आके एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे इस ऑप्शन का काम ये होता है कि कहाँ पे आप अपनी फाइल को सेव रखना चाहते हो जो आपने एक्सपोर्ट करी है। तो यहाँ से अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी लोकेशन चेंज करके डेस्कटॉप पे इसको ले लेता हूँ, ताकि मुझे फाइल ढूंढने में जो है आसानी रहे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप अपनी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो जो आपने एक्सपोर्ट करनी है, तो आपने फाइल नेम पे आके एंटर प्रेस करना है, और यहाँ से आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। नेम चेंज करने में आपने बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भी आप नाम लिखोगे उसके बाद आपने .xml लिख देना है, जिससे जो है फाइल सही फॉर्मेट में रहे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसका कोई नाम चेंज नहीं करता, इसको सेम ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपने कंट्रोल ए से इसको सेव कर देना है, और यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वो क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, वो वाली कंपनी ओपन कर लेनी है जिसके अंदर आपने ये डाटा ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी दूसरी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी ओपन कर ली है। अब सिंपली आपने क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले आपने एक्सपोर्ट किया था, अब आपने इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की साइड आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने एंटर करना है, और यहाँ पे आपने अपनी वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे आपने अपनी फाइल ट्रांसफर करी थी। तो मैंने क्या किया था, डेस्कटॉप पे अपनी फाइल जो है वो एक्सपोर्ट की थी। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अप करता हूँ, और यहाँ पे मेरे सामने जैसे ही डेस्कटॉप आता है तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डे बुक के नाम से मेरी फाइल यहाँ पे शो हो रही है, तो इस पे आके आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो थोड़ी सी रीडिंग जो है वो चलेगी, और यहाँ पे जो है आपकी सारी एंट्री एक्सपोर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, डिस्प्ले में आता हूँ, उसके बाद डे बुक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सारी जो एंट्रियाँ मैंने एक्सपोर्ट करी थी वो यहाँ पे इम्पोर्ट होके आ चुकी हैं। तो इस तरह से जो है आप अपनी सारी वाउचर एंट्रीज को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दोनों कंपनियाँ दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, सेम डेट, सेम वाउचर नंबर और सेम एंट्री आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक्सपोर्ट हुई दिख जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे प्यारा सा लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।